सोमवार जेतेबेले 500 वर्षर इतिहास बदलुला प्राचीन आर्यवर्त नुआ इतिहास लेखुला सेतेबेले अयोध्या एकाठी होइतिले हजार हजार राम भक्त किंतु निमंत्रण को ना कही छिंछत्र हो जाइछंती इंडिया मेंट सदस्य केवल आ केवल बीजेपी को काउंटर करने को निमंत्रण को तो ना कही किए गरम तो किए नरम भाषा समालोचना करते हेले गला दुई दिन भितर अयोध्या आसाम पश्चिम बंगुर बिहार भाया दिल्ली जमी चित्र सबू सामना को आसी इंडिया मेंटरे जमी बयानबाजी चली लगुच खेला हे आसंता लोकसभा निर्वाचन नुहे इंडिया मेंटरे खेला हे कहीं एमती कहुच्छे आसतु चर्चा करवा रिपोर्ट पश्चिमबंग निर्वाचन में ममता नारा देते खेला हे पश्चिमबंगे टीएमसी हैट्रिक मारे ममता कही 2024 रे भी खेला हे किंतु एबे स्थिति जहां लगुच लोकसभा निर्वाचन में नुहे इंडिया मेंटोरे खेला हे पश्चिमबंग पर पड़ोसी बिहार आरंभ हो खेल पूर्वतन बिहार मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी खेला हे ट्वीट चर्चा को खोराक जगह कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर को भेटा पर मांझी को ट्वीट आगक आसी ये खबर मतलब आप लोगों का नहीं 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 भाई बड़े बड़े चैनल हो या छोटे छोटे हो या मझोले कद के हो आप लोग खबर को पैदा करते हैं और खबर को पैदा होने में 9 महीना नहीं लगता है 9 सेकंड में खबर पैदा होती है अब 10वें सेकंड में अपनी बनाई खबर को गिरा दी जाती है तो आपको खबर बनाना मुबारक आपको खबर गिराना मुबारक आरजेडी गणमाध्यम को दोष दे जेडीयू कही विश्वविद्यालय कुलपति मामला को नहीं नीतीश कुमार राज्यपाल को भेटिंट किंतु पलटुराम नीतीश कुमार पुणी पलटी मारिबा चर्चा जोर धरी बिहार रे खेला हबे बोली कहा जाउछि अर्थात पुणी संदेह रे नीतीश को राजनीति तेबे नीतीश को नहीं सिना संदेह हेले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सद्भावना रैली रे बीजेपी को टार्गेट करू करू बेंगल रे खेल कर दैछंती हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं इंडिया नाम हमने दिया लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे हमको बहुत असम्मान मिलते हैं अतीतर विवाद आगो पानी ममता बनर्जी वाम दल एवं कांग्रेस को टारगेट करिछंती एका लड़ीबा को कांग्रेस को परोक्ष रे चैलेंज दैछंती हमारा पास हिम्मत है लड़ने के लिए लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग हमारे पास हिम्मत है आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए हमने हिम्मत दिखाया कितना पॉलिटिकल पार्टी है क्या हिम्मत दिखाया एक मंदिर विजिट करने से हो गया और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते कभी नहीं किए थे आज भी नहीं करते पश्चिमबंग में कांग्रेस और टीएमसी मुहांमुही स्थिति वरिष्ठ कांग्रेस नेता रशीद अलवी कहते हाईकमांड स्थित संभालतु हेले गोटे मंदिर जाई बीजेपी को केमी काउंटर कर ममता प्रश्न करुवा बेले राहुल गांधी बिवाद में ताली पकड़ चेष्टा कर कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड की जिम्मेदारी है कि वो उस पर विचार करें ममता के साथ अलायंस करना है या नहीं करना है और इस इनको डायरेक्ट करें इनको बताएं कि क्या समझौता होना है कि नहीं होना इससे इंडिया बिखर जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी इंडिया अगर इकट्ठा नहीं रहता है तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है हाँ थोड़ा थोड़ा होता रहता है कभी कोई उनका कोई बोल देता है हमारा कोई बोल देता है दीज आर नेचुरल थिंग्स दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनी तेरे ममता बनर्जी तो बीजेपी सह कांग्रेस को खुलम खुला टारगेट करुछंती
किंतु आप मुखिया केजरीवाल जदि डायरेक्ट टार्गेट करूना किंतु ममता भि शक्ति प्रदर्शन जारी रखिंट तेणु तो राम मंदिर प्रतिष्ठा दिन दिल्ली को राममय कर केजरीवाल हिंदुत्व रेस रे कांग्रेस को पछरे पकाई उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये धारण करना पड़ेगा कि हमें माँ बाप का आदेश पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। मंदिर प्रसंग को नहीं इंडिया मेंटर फाट जल जल ही दिशुचे। मंदिर बाहर राहुल भजन करुछंती, ममता बनर्जी सद्भावना राली करिछंती, केजरीवाल को आप सुंदराकांड पाठ करुवा बेले गंगा आरती करिछंती उद्धव। अर्थात मेंटरे ऑल इज नॉट वेल हेले नीतीश कुमार एवं राज्यपाल को भेटघाट मेंटर हृदस्पंदन बढ़ाई थी निश्चित। अवश्य नीतीश कुमार को एक खेला तेजस्वी रास्त कंटा साजिब ना राहुल रास्त आकलन करवा एबेठू असंभव। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। सर्वधर्म सभा करी ममता बनर्जी राहुल गांधी को टार्गेट करिछन्ती। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहुथिबा कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी, पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान अध्यक्ष थिबा मल्लिकार्जुन खड़गे सभी निमंत्रण को ना कहिछन्ती। जेऊ गांधी नेहरू परिवार को नहीं कांग्रेस, से ही परिवार नेहरू को ठार आरंभ कर राहुल गांधी पर्यंत कौन भी सदस्य केबे भी अयोध्या राम जन्मभूमि पाद रखी ना किंतु अफगानिस्तान में बाबर समाधि स्थल को जवाहरलाल नेहरू ठार राहुल गांधी पर्यंत सभी मुंड नुआई। जेएनयू प्रोफेसर आनंद रंगनाथन एने एक्स रे एक पोस्ट लिखी सूचना देखते आनंद कहवा कथा केवे राम जन्मभूमि जान नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी बाबर समाधि पीठ को जा 1969 में भारत प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, 1968 मसीह झी इंदिरा गांधी, 1976 में इंदिरा पुओ राजीव गांधी एवं 2005 मसीह पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल गांधी अफगानिस्तान काबुल जाए बाबर समाधि परिदर्शन कर। इंदिरा कथा निज आत्मजीवन भी लिखिं कांग्रेस बड़ नेता मंत्री थी नटवर सिंह।